हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ, करवा चौथ स्टार्ट हो गया है। मीक्षा सुबह उठी थी 4:30 बजे, उसने खाना खुना खाया और फिर उसके बाद रेस्ट की इसने। अभी हम जा रहे हैं छोले भटूरे लेने के लिए, क्योंकि आज मीक्षा ने तो कुछ खाना नहीं है, तो हम उसको चिढ़ा तो सकते हैं ना, तो इसलिए हम आज खाएंगे छोले भटूरे। क्या खाएंगे आरब? मिक्षा जी क्या खाएगी? मिक्षा क्या खाएगी? शक्ल तो देखो इसकी, गौर से देखिए शक्ल, जो आज कुछ भी नहीं खा पाएगी। आज हम ऐश करेंगे बाप बेटा दोनों। पता है मेरे को नहीं फर्क पड़ता खाने पीने से। ओहो, इसको फर्क नहीं पड़ता। बताओ, रात है, बर्गर मोमो सब कुछ तो खाए, इसको फर्क तो क्या पड़ना है? जितना भी खाया, खाया तो है ना। यहीं पे आपके सामने ही खाएंगे हम वहाँ नहीं खा के आएंगे। यहाँ पे हम आए छोले भटूरे लेने। पापा, सो गाइस, उसके बाद हम लोग रेडी होके हम लोग निकल गए थे और हमें दो काम थे, हमने कहा चलो वो करके आते हैं। जब तक जैसे कि आपने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि हम भटूरे लेने गए थे, तो मैं किस ये पूछना चाह रहा था कि किस किस को ये आउटसाइड स्ट्रीट फूड होता है जो पसंद है, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि हमने हल्दीराम के भी खाए हैं, सभी के खाए हैं भटूरे, पर उससे कंपेयर ये बढ़िया लगते हैं। तो गाइस, फिर हमने अपना नाश्ता करा, फिर नाश्ता करके हम नहाए, तो मिक्सा का तो फास्ट था जो, वो तो कह रही कहीं नहीं जाना, बाहर जाके फिर दिल करता खाने के लिए, तो मैंने कहा चलते हैं, आधा दिन निकल गया, आधा ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा फास्ट कब ख़त्म हो गया और कब हमने मत्था टेक के करवा चौथ कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए मैंने कहा चलो गाड़ी उठाते हैं, चलते हैं कहीं घूमने के लिए। अभी हमने गाड़ी उठाई है और उठाई है, अभी ये नहीं पता हमें, गाड़ी में बैठ तो गए हैं पर ये अभी तक नहीं हमें पता हमने जाना कहाँ है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ यही होता है, घर से हम कुछ सोच के निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के हम भूल जाते हैं हम कहाँ जाना जा रहे हैं। परेशान का फंडा ही होता है, जिस दिन छुट्टी होगी इनकी तो उस दिन इनको घर से बैठना बिल्कुल मंजूर नहीं होता, इनको होता घर से बाहर निकाल दो उसके बाद आप चाहे जहाँ मर्जी लेके जाओ, और जब बाहर आ जाएंगे तब इनको पता नहीं होता इन्होंने कहाँ जाना। ये तो आप गाइस देख सकते हो हम फ्लाई ओवर के ऊपर खड़े हैं और हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हम जाए कहाँ, तो इसीलिए हमने कहा साइड में गाड़ी लगाते हैं और पहले सोचते हैं कहाँ चलते हैं, और अब हमारा मिल जुल के नतीजा यही निकला कि हम पैसिफिक मॉल चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, नहीं। अभी थोड़ा टाइम पैसिफिक नहीं अभी थोड़ा टाइम पैसिफिक मॉल एंजॉय करते हैं, फिर तुमने पूजा करनी है, फिर घर चलेंगे, पूजा करके उसके बाद जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, वहीं पे फास्ट खोल लेंगे रास्ते में। चलवाओगे क्या फूड कोर्ट में बैठेंगे जाके? तुम खाना मत, हम खाएंगे, तुम देखना। आज एक ही तो देखो, पूरा साल औरत का राज होता है घर पे, एक दिन मर्द का राज होता है घर पे। वो करवा चौथ का दिन होता है जब लेडीज का मुंह बंद होता है और आदमी का खुला होता है, तो जिस जिस जेंट्स के साथ ये होता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, लेडीज नीचे कमेंट करके बताएंगी कि जेंट्स कितना टॉर्चर करते हैं ऊपर। आज सुबह से मेरे को तो, आरव को तो इतना मजा आ रहा है, पहले हमने छोले भटूरे खाए, अब हमने डिसाइड कर रखा हम KFC जाके KFC खाएंगे। KFC मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, हल्दीराम के वो खाएंगे, ओ क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, गोलगप्पे और राज कचौड़ी,
वो खाए गए। जब पापा ने बोला गाड़ी उठाइए, मैं ये सोच रहा था पापा ने सिर पे गाड़ी उठाई है फिर चलाते हुए गाड़ी उठाई है। घर से गाड़ी उठाई है, सर पे से नहीं उठाई। बेशरम है ना, कितने बेशरम है सच में। देख रहे हो कितने जालिम है ये होते हैं हस्बैंड। बीवी ने पास रखा हुआ, प्लानिंग कर रहे हैं क्या क्या खाना है इनको आगे। तो नहीं तो इनकी नुक्ताचीनी रहती है ना, नहीं नहीं ये नहीं खाना, ये खाएंगे आज, मेरा ये मन आज मैं ये खाऊंगी। फिर आदमी क्या कहता है कि चलो जो तुम खाओगी वही मैं खा लूंगा और क्या करूंगा। आज के दिन हम जो मर्जी खाएं ये एक बार नहीं बोल सकते कि मैंने ये खाना, मैंने वो खाना, मैंने ये खाना, मैंने वो खाना। अरे मम्मी मना करती है टाइम जोन जाने के लिए, अब हम वहां भी जा सकते हैं। क्यों मना, क्यों मैं मना नहीं कर सकती? अब थोड़ा सा गेम पार्लर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आधे गेम खेलेंगे। ये क्या कर रहे हो, बोल रहे हो खा रहे हो मम्मी को? ये थोड़ा हाथों पाई नहीं करनी, जो मर्जी करो हाथों पाई नहीं करनी किसी ने। अब मैं आपकी क्लिप हो गई, मैं एडिटिंग कंटिन्यू कर लूं? तुम एडिट करो, हमने तुमने तुम्हें मना थोड़ा करा, तुम एडिट करती रहो। गाइस मैं जो है करवा चौथ चॉपिंग वाला जो व्लॉग है वो एडिट कर रही थी, इसलिए मैं करवा चौथ चॉपिंग, करवा चौथ को चॉप करा तुमने, करवा शॉपिंग शॉपिंग कहना चाह रही थी गाइस, शॉपिंग पे चले गई है, इसका कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर जो चूहे कूद रहे हैं ना वो इसको चॉपिंग करवा रहे हैं। करवा चौथ दोपहर के तीन बज चुके, मैं आपको बता दूं सच में, तुम्हें भी पता है मुझे भूख नहीं लग रही। मुझे इस टाइम से आते आते ना थोड़ा सा प्यास सा हो रहा है कि पानी पी लूं, मैं को भूख नहीं लग रही। और जब बंदा वैसे ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, इतने सालों का टच उड मुझे रखते हुए, तो थोड़ी हैबिट सी हो जाती है। तो खाने की तो नहीं हो रही, मुझे इस टाइम पानी का थोड़ा सा हो रहा है मुँह में। फास्ट रखा तो करने की भी जरूरत नहीं होती। मैंने पानी बोला, मेरे खाने की कोई नहीं सोच रहा ही नहीं है, पानी के बारे में भी नहीं सोचना। कैमरा वहाँ है, आप शीशे में देख के मुझसे बात मत करो। मैं तो बैक शीशे ऐसे पलट नहीं सकता ना, नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, आप शीशे में दिख रहे हो मेरे को, ये देखो। नहीं नहीं ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचती है मंजिल, कहाँ ले चलती है, रास्ते कहाँ लेके चलते हैं हमें। ये वाला जो व्लॉग है, I'm sorry आपको कट करने के लिए, ये वाला जो व्लॉग है पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इस करवा चौथ व्लॉग जो है इसको हम बहुत एंटरटेनिंग बनाने वाले हैं। और जब तक आप जो है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मैं देख रहा हूँ वीडियो देख के जा रहे हैं लोग, सब्सक्राइबर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करो। आपके एक बटन क्लिक करने पे दूसरों का कितना फायदा हो सकता है वो आपको पता ही होगा। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट व्लॉग में बताया कि अभी जो है हम लोग एक पहला स्टेप क्रॉस कर रहे हैं, हमने आगे और हमारे 1K हो गए हैं, 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अब आपने धीरे धीरे करके आप लोगों ने हमें 100K तक 100 मिलियन तक लेके जाना है, और अब हम आपके भरोसे पे है, ठीक है ना। 100 को आएगा सामने सिल्वर प्लेट, कोई गलती कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी ये गलती है, आपने ये करा, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधारेंगे भी, ठीक है ना। 100K पे सिल्वर प्लेट बटन, 1 million गोल्डन और 10 million पे डायमंड। आप अगर ये चाहते हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे कहाँ जाते हैं, कहाँ तक ये मंजिल लेके जाती है हमें, कहाँ जाके हम रुकते हैं, क्योंकि इनका चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, ऊपर चलेगी तो इनकी घर में, ठीक है ना, बाय। सो दोस्तों मेरा करवा चौथ कुछ ऐसा निकल रहा है कि अभी जैसे ईशान ने आपको बताया था हम लोग मॉल जा रहे हैं, हम लोग मॉल नहीं गए। ईशान पहले गए थे किया के शोरूम जहाँ से हमने कार ली थी, बिकॉज इनको RC लेनी थी, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं अपना यहाँ पे फ़ोन पे जो है काम कर रही थी। और अब हम आए हैं मोती नगर, यहाँ पे ईशान को अपनी गाड़ी पे लगवाना है गियर लॉक, बस वही काम करवाने हैं। देख रहे हो वैसे निकल रहा मेरा करवा चौथ। सो गाइस ईशान देखो जैसे मैंने आपको बताया काम करवा रहे थे, और साथ में गाड़ी की इसका गाड़ी का गियर लॉक लगवाना था, मैं कहा चलो वही लगवा लेते हैं पहले। हाँ। और फिर भैया कह रहे कवर दे दो एक आपको गाड़ी का, अच्छा इसका की का मैं दे दो, अच्छा लग रही है ना, देख लिया कह रहे 150 रुपए का, दिखाओ तो सही 100 रुपए दूंगा, तो अभी दिए नहीं अभी, अभी ये लगेगा ना 1400 रुपए का। ये क्या चीज है, ये की का कवर है, मुझे पता है की का कवर है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्लास्टिक नहीं है ये पापा, ये कह रहे रबड़ होती है, रबड़ होती है, अच्छा वही पूछ। चलो क्या तो क्यों खाया मिर्ची वाला, पहले नहीं मिला है,
अब यहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है पानी पीने की। अभी भी खा रही है उधर से ले आओ वो, देखो अभी भी खा रही है खाना। मिर्ची तो नहीं है, देखो पानी पीते हुए भी स्टाइल है। कहाँ जाना तूने? कहाँ जाना है? शान जी की फोटो तो खींच लो गंदी, पहले मेरी खींची जाओगे क्या? पेट पे मान क्या? शान जी की अच्छा। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे शान अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हैं। ऑलरेडी एक घंटा हो गया मुझे गाड़ी पे बैठे हुए, थोड़ी देर तो सो भी गई थी। सो मैं तो थोड़ी देर जो है सो भी गई थी और यहाँ पे शान का गाड़ी का काम बस होने ही वाला है। तो इतनी देर में क्या हुआ, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी तो मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी पापा कहते हैं कि आप भी आ रहे हैं, चलो हम भी ज्वाइन करते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। मैं कहा खाना तो तुम लोगों ने, हमने थोड़ा खाना है कुछ भी, तो चलो बस चलते हैं अब। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिलके सब लोग खा रहे हैं पापड़ी और पता नहीं। ये जो मेरी मट्टो है ना, इसको बड़ा शौक है यहाँ पे व्लॉग में आने का। और वहाँ पे खड़े होके बोली बुआ व्लॉग तो बना लो। मैं तो खा भी लिया, मैं कहा तुम वो नहीं फटाफट पीछे से खा लूं हैं। कितने मजे से आके पूछ रहे, तूने तो नहीं खाया। शकल कितनी बढ़िया लग रही पापा, है ना शान? बहुत बढ़िया। स्मोकी नगर में जीत चाट भंडार के नाम से शॉप है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी शॉप है। यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है, दही भल्ला पापड़ी गोलगप्पे और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे आप ऑलरेडी देख चुके हो यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ मंगाया था। ऑब्वियसली बात है मैंने तो खाया नहीं, लेकिन ये लोग खा रहे हैं, इनके रिव्यू के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छे हैं और मैंने शक्ल के हिसाब से बताया शक्ल भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। दिव्यांशी कैसा लगा आपको? बुआ को बता बोलो। अच्छा नहीं लगा? नहीं क्यों, क्या लगा है? मिर्ची लग रही है? मिर्ची लगी है। अच्छा बहुत टिक्की आ गई यार, क्या यम है देखो। तो गाइस जैसे देख रहे हो आप, हम करवा चौथ का व्रत खोलने आ गए। तो इधर से हमारे चंद्र मामा भी आ गए हैं। चंदा मामा बहुत लाइट है, बहुत लाइट है पर दिख रहे हैं आप, व्रत खोल सकते हैं देख के। तो अब ये मीक्षा जी कर रहे हैं पूजा अच्छे से, बहुत अच्छे से और बिल्कुल टाइम से आ गए, नहीं तो आगे कितना लेट हो जाते हैं ना, बिल्कुल टाइम से आ गए। और हवा भी नहीं चल रही, सबसे बढ़िया बात हवा भी नहीं चल रही। तो चलो आप करो फटाफट मत्था टेको, ठीक है? और करें आप, तो आप आओगे तभी करूंगी वो, तो मैं कर लूंगा, आप पहले उधर तो कर लो। चॉकलेट से इसलिए खोलती हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट करवा चौथ से अभी तक हमेशा चॉकलेट से खोला है। मेरे पास मिठाई भी पड़ी है लेकिन इसीलिए मुझे होता है मैं हमेशा चॉकलेट से खोल दूँगी। अरे अभी इसी चीज के लिए पापा ने फोटो भी खिंचवाई है, वो सब फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, जरूर जाके मेरे को फॉलो कर लो और देख भी लो, मेरे भी पापा की भी मम्मी की भी सब। सो गाइस आपको मिलते हैं हम नीचे जाके। सो गाइस हम लोग जो है फास्ट ओपन करके घर पे नीचे आ चुके थे। सो बस अभी मैंने अपने बाल छाल बांध लिए, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। सो अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, लेट्स सी कि वहाँ पे टेबल मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि आज के दिन तो आपको पता है बहुत रश होता है।